हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अमृत गैलरी। आज हम बनाएंगे 8 से 9 साल के गर्ल के लिए हंकी स्कर्ट। तो टोटल फैब्रिक हमें 2 मीटर का चाहिए, और अगर आप पाइपिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए 1/4 मीटर कपड़ा चाहिए और 24 इंच का इलास्टिक चाहिए। सबसे पहले 2 मीटर मेन फैब्रिक से 2 इक्वल स्क्वायर पीसेस निकाल लेना है, जिसका लेंथ और ब्रेथ 40 इंच का ही हो, और एक्स्ट्रा पीसेस को हम सीजर के हेल्प से काट लेंगे। अभी हम 2 स्क्वायर पीसेस को अलग कर लेंगे। इनमें से एक स्क्वायर पीस लेकर हम इसे 4 फोल्ड करेंगे। अभी फोल्डेड साइड के कॉर्नर से 5 इंच का मेजरमेंट लेकर एक कर्विकल शेप बनाएंगे और इसे काट लेंगे। अभी वेस्ट मेजरमेंट करेंगे तो 7.5 इंच आएगा। अभी फर्स्ट स्क्वायर पीस को सेकंड स्क्वायर पीस के ऊपर रखकर इसे काट लेंगे। कपड़ा कटिंग के बाद दोनों स्क्वायर पीस के फोल्डेड पर्शन को हम इसे मार्क कर लेंगे। अभी दोनों स्क्वायर पीस को लेना है और ऐसे सेट करना है कि जैसे एक का फोल्डेड पर्शन दूसरे का कॉर्नर के साथ एक स्ट्रेट लाइन में रहे। अभी फैब्रिक का मिडिल वाला पर्शन को हम पिन अप कर लेंगे, ताकि हम जब स्टिचिंग करें कपड़ा ना खिसके। अभी सेंटर से 1/2 इंच का मार्जिन छोड़कर इसको ऐसे मार्क कर लेंगे, और इसी मार्क के ऊपर हम इसे स्टिचिंग करेंगे। ये देखिए स्टिचिंग हो गया। अभी पिंस को रिमूव कर लेंगे। वेस्ट मेजरमेंट 30 इंच है, तो बेल्ट बनाने के लिए उसका लेंथ हमें 30 इंच प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा, दैट इज 32 इंच चाहिए, और बेल्ट का चौड़ाई 4 इंच लेंगे। अभी इस पट्टी का वन साइड को 1/2 इंच का डबल फोल्ड करके इसको स्टिच कर लेंगे। अभी दोनों स्क्वायर पीसेस के साइड को 1/2 इंच का डबल फोल्ड करके भी स्टिच कर लेंगे। ये देखिए मैंने सारे साइड्स को स्टिच कर लिया है। अभी मेन फैब्रिक का रॉन्ग साइड के ऊपर पट्टी का रॉन्ग साइड रखकर इसको स्टिच कर लेंगे, लेकिन हमें पूरा स्टिच नहीं करनी है। ये देखिए मैंने यहाँ पूरा स्टिच नहीं किया है। यहाँ पे जो मैंने गैप छोड़ा है, इसके लिए हम 1 इंच का मार्जिन यहाँ पे काट लेंगे, और इसके बाद यहाँ पे स्टिच करेंगे। स्टिचिंग के बाद एक्स्ट्रा अनवांटेड पीसेस को हम काट लेंगे और इसको ऐसे स्टिच कर लेंगे। अभी स्कर्ट को पलट लेंगे। अभी पट्टी को कपड़ा की राइट साइड तरफ फोल्ड करके स्टिच करेंगे, लेकिन हमें ध्यान रखना है पूरा स्टिच नहीं करना है, कहीं पे एक 1.5 इंच का गैप रखना है। अभी इस गैप में हम इलास्टिक इंसर्ट करेंगे। इलास्टिक को एक के ऊपर एक रखकर हम इसे ऐसे स्टिच कर लेंगे, और जो पहले से गैप था उसको अभी स्टिच कर लेंगे।
अगर स्कर्ट आपको ऐसे पसंद आ रही है तो आप नेक्स्ट वाला स्टेप को स्किप कर सकते हैं, नहीं तो चलिए हम कॉर्डलेस पाइपिंग करते हैं। पाइपिंग के लिए ऐसे पतला पतला स्ट्रिप कटेंगे जिसका चौड़ाई 1.5 इंच है। स्ट्रिप्स को ऐसे फोल्ड करके 1/4 इंच का मार्जिन छोड़ के ऐसे स्टिच करेंगे। अभी स्कर्ट का बॉटम साइड में उसको रॉन्ग साइड रखकर इसको ऐसे स्टिच करेंगे और स्टिच करने के बाद इसको ऐसे फोल्ड करके इसके ऊपर किनारे पे स्टिच लगाएंगे। इस तरह बटन के सारे साइड्स को हम ऐसे पाइपिंग कर लेंगे। फ्रेंड्स, मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। बाय बाय।